नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने जा रहा है। तो देखिए, 14 मई 2021 की सुबह 11:15 पर सूर्यदेव मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वृषभ राशि में 15 जून 2021 तक गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। तो इस एक माह की समयावधि में प्रत्येक राशि के ऊपर अलग अलग प्रभाव देखने के लिए मिलने जा रहा है। इसका कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने जा रहा है, सटीक जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। सूर्यदेव वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और वृषभ राशि में राहु ऑलरेडी गोचर स्थितियों में है, तो सूर्य और राहु के मिलन से ग्रहण दोष का निर्माण भी होने जा रहा है, जिससे कर्क राशि वाले जातकों को बहुत सारी सावधानी जरूर रखने की आवश्यकता रहने वाली है, जो आगे हम आपको जानकारी देंगे। वैदिक ज्योतिष में सूर्यदेव को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। सूर्यदेव को बहुत ही प्रभावी ग्रह माना गया है। सूर्यदेव को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक ग्रह माना गया है। सूर्यदेव को जीवन आत्मा का प्रतीक ग्रह हमेशा माना गया है। यदि सूर्य की स्थिति जन्म कुंडली पर सही हो तो व्यक्ति में तेज, व्यक्ति में आकर्षण क्षमता होती है। व्यक्ति सामाजिक राजनीतिक कार्यों में काफी ज्यादा संलग्न होने वाला होता है। लीडरशिप क्षमता होती है। जातक को हमेशा सम्मान की प्राप्ति होती है। सूर्य देव यदि जन्म कुंडली पर शुभ स्थितियों में होते हैं तो जातक कैरियर शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। सूर्य के शुभ प्रभाव से जातक की संवाद शैली बहुत ही बेहतरीन होती है, यानी जातक के अंदर लीडरशिप क्षमता भी होती है। सूर्यदेव का यदि अशुभ प्रभाव होता है तो व्यक्ति में कई प्रकार के दुर्गुण उत्पन्न होने लगते हैं। सबसे पहले विश्वासहीनता देखने के लिए मिलती है। सूर्यदेव के शुभ प्रभाव से नेत्र जनित रोग, हृदय से संबंधित रोग देखने के लिए मिलता है। पिता से संबंध खराब हो जाता है। सूर्य का अशुभ प्रभाव होने से जातक ईर्ष्यालु भी होने लगता है। सूर्यदेव को क्षत्रिय वर्ण, लाल रंग और पूर्व दिशा का प्रतीक माना गया है। रविवार दिन इनको समर्पित दिन माना गया है। मेष राशि इनकी उच्च राशि, तुला राशि इनकी नीच राशि मानी जाती है। चंद्रमा, मंगल, गुरु, सूर्य के मित्र ग्रह, जबकि शनि, राहु, केतु सूर्य देव के शत्रु ग्रह माने जाते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने जा रहा है। कर्क राशि वाले जातकों, यह फलादेश आपकी राशि के चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। आपके राशि के द्वितीय भाव के स्वामी होकर सूर्यदेव राशि के लाभ भाव यानी 11th हाउस में प्रभावी होने जा रहे हैं। राशि के लाभ भाव से व्यक्ति के लाभ, अभिलाषाओं की पूर्ति यानी मनोकामनाओं की पूर्ति के बारे में, विदेश के बारे में भी विचार किया जाता है। इस भाव में सूर्यदेव का प्रभावी होने से कर्क राशि वाले जातकों को कई प्रकार के शुभ परिणाम देखने के लिए मिलने जा रहा है। सबसे पहले कर्क राशि के ऐसे जातक जो शिक्षण संस्थानों में संलग्न हैं और परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत ही उत्तम रहेगा। एकाग्रता में वृद्धि होती हुई नजर आने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों, आप अपने बौद्धिक और अपने मनोवृत्ति से कई प्रकार के ऐसे माध्यम का निर्माण कर देंगे जो आपके लिए काफी ज्यादा सहायक रहने वाले हैं। यदि पूर्व के समय से मन में तनाव की स्थिति बनी हुई थी, सूर्यदेव के इस गोचर के फल स्वरूप काफी ज्यादा दूर होती हुई नजर आने वाली है। कर्क राशि के बहुत सारे ऐसे जातक जो रोग से परेशान हैं, शारीरिक रूप और मानसिक रूप से चिंताएं बनी हुई है, और यहाँ पर आपको नेत्र जनित, पेट से संबंधित, हड्डियों से संबंधित किसी भी प्रकार का रोग है वो दूर होता हुआ नजर आएगा। स्वास्थ्य आपका इस महीनों में काफी ठीक रहने वाला है। इस एक माह की समयावधि में कर्क राशि वाले जातक
ऊर्जा से भरे हुए रहने वाले। लाभ भाव में सूर्यदेव का गोचर होने से अप्रत्याशित धन लाभ की संभावना देखने के लिए मिलने जा रही है और कर्क राशि वाले जातकों की आर्थिक स्थिति और वित्तीय स्थितियां काफी सुदृढ़ बनी हुई रहने वाली है। यदि इस समयावधि में किसी भी प्रकार का व्यापार संचालन आप करना चाह रहे हैं, छोटा मोटा रोजगार आप प्रारंभ करना चाह रहे हैं, इस समयावधि में आपको श्रेष्ठ देखने के लिए संभावनाएं मिलने जा रही है। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के लिहाज से जुड़े हुए जातकों को सावधानी रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि वाद विवाद की स्थिति देखने के लिए मिल सकती है, वैचारिक मतभेद देखने के लिए मिल सकता है, इसके कारण दूरियां भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए कर्क राशि वाले जातकों को अपने क्रोध पर, आवेग पर नियंत्रण रखना है। अपने सहयोगी जन, परिवार जन के साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना चाहिए। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए हैं या प्रेम जीवन में जुड़े हुए हैं तो समन्वय बनाकर जरूर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। कर्क राशि के यदि आप जातक हैं तो शेयर सट्टा लॉटरी में धन का व्यर्थ रूप में जाया करने से भी आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। तो ये तो रहा कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर सूर्यदेव के परिवर्तन का प्रभाव। अब जन्म कुंडली पर सूर्यदेव यदि अशुभ स्थितियों में होते हैं तो कुछ खास उपाय आप जरूर कर सकते हैं। सूर्यदेव के शुभ प्रभाव को अर्जित करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप जरूर करें। प्रत्येक दिन सूर्यदेव को जल अर्घ दे सकते हैं और अपने माता पिता का पूर्ण रूपेण सम्मान जरूर करें, क्योंकि सूर्यदेव को पिता का भी कारक ग्रह माना गया है। यदि पिता से आपके संबंध अच्छे होंगे तो सूर्यदेव के शुभ प्रभाव आपके ऊपर जरूर दिखाई देगा। सूर्यदेव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः नामक मंत्र का जप करना भी आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।